बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.3 को स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन देख लें आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। तो हमें देखना है इनमें से कौन से मैट्रिक्स हैं जो आपस में एक दूसरे के लिए बिल्कुल कन्फर्मेबल हैं कि हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो हमें देखना फर्स्ट वाला क्वेश्चन कि ए की वैल्यू हमारे पास क्या मैट्रिक्स है भाई, 2, 1, -1 एंड 3, यानी कि हमारे पास दो रोज़ हैं और दो ही कॉलम है। तो इस लिहाज से हमें ऐसा मैट्रिक्स चाहिए जिसमें दो रोज़ और दो ही कॉलम हो। तो हमारे पास जो ई वाला मैट्रिक्स है ना, इसमें भी दो रोज़ है और दो ही कॉलम है, लिहाजा ये दोनों आपस में मैट्रिक्स एडिशन के लिए जो है ना कन्फर्मेबल है। इसी तरह से हमारे पास बी वाला और डी वाला आपस में कन्फर्मेबल है, और सी वाला और एफ वाला, क्योंकि इनमें सी वाले में हमारे पास तीन रोज़ है और दो कॉलम है। इसी तरह से एफ में भी हमारे पास तीन रोज़ और दो कॉलम है, यानी कि अगर हमारे पास रोज़ एंड कॉलम दो मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएँ तो हम कह सकते हैं कि ये कन्फर्मेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड हमने करना है एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स बड़ा सिंपल है, आपने क्या करना है, जो आपको मैट्रिक्स गिवन है ना, आपने उसको सिंपल जिसके साइन सिर्फ साइन चेंज करनी है। 2 है ना, तो ये -2 हो जाएगा, 4 है तो इसको हम कर लेंगे -4, और अगर पहले ही माइनस लगा हुआ है तो हम उसको कर देंगे प्लस, यानी कि माइनस से माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे सॉल्व हो जाना है। और ये इसके साथ हम जो है ना √3 है ना, तो इसके आगे हम माइनस का साइन लगाएंगे। यहाँ पे भी हम -1 और -1 का जो माइनस है ये रिमूव कर देंगे, और √2 से पहले भी हम माइनस लगा लेंगे, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड वाला क्वेश्चन, इसमें हमने फाइंड करना है भाई ए प्लस, पहला क्वेश्चन है, और हमें अगला मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 और रो में भी 1, 1 और कॉलम में भी हमारे पास है 1, 1। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी। ए की वैल्यू ऑलरेडी ऊपर उन्होंने हमें गिवन की हुई है, तो हमने इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो हमारे पास है क्वेश्चन, ए की वैल्यू मैं पहले लिख लेती हूँ जो इन्होंने हमें गिवन की हुई है, -1, 2, 2, 1। ठीक है, ये हमें इन्होंने पहले दी हुई है, और कहते हैं आप फाइंड करो ए प्लस 1, 1, 1, 1। तो सिंपल हमने क्या करना है, जहाँ पे ए है ना उसकी जगह हमने उसकी वैल्यू लिख देनी है, ए की जगह ये वाली वैल्यू उसकी, -1, 2, 2, 1, और ये +1, 1, 1, 1। इनको हमने सिंपली कर लेना है ऐड, तो -1 में हम +1। ठीक है, इस तरह से 2 प्लस ये वाला 1, फिर 2 प्लस 1, फिर 1 प्लस 1, इनको सिंपली हम ऐड करेंगे, तो ये प्लस माइनस से ही कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 0, 2 और 1, हमारे पास 3 हो गया, यहाँ पे भी 3, और यहाँ पे आ गया 1 प्लस 1, 2। तो ये हमारा आ गया है सिंपल सा आंसर। नेक्स्ट आप लोग देख लें, ये प्लस वाले क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। और नेक्स्ट है डी वाला, ये भी आसान है। डी के लिए इन्होंने हमें जो है ना दो रोज़ और तीन कॉलम वाला जो है ना मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको भी सिंपली कर लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें है कि 2 को हमने ए से मल्टीप्लाई करना है, तो हम 2 लिखेंगे और ए की जो वैल्यू है ना वो हम लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवा देती हूँ ताकि आपको जो है ना मुश्किल ना हो। 2 ए, ये हमारा क्वेश्चन था, तो 2 लिखा और ए की जगह हमारे पास जो है ना इसका मैट्रिक्स ऑलरेडी जो है वो गिवन है, वो क्या था, -1, 2, 2, 1। तो हमने सिंपल क्या करना है भाई, इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, 2 1 ज़ार -2, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। तो ये सिंपल सा हमारा इसका भी आंसर आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। उसके बाद है हमारे पास 4 वाला क्वेश्चन, इसमें भी सिंपल हमने क्या करना है भाई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है इसमें कि जिसमें हमारे पास पहले ब्रैकेट होगी ना, हम वो वाला पोर्शन पहले सॉल्व करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसको नेक्स्ट के साथ जो है ना हम ऐड कर देंगे। तो एक क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ, बाकी आप लोग जो है ना ये खुद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है 1, 0, 0, 1 और प्लस 0, 2, 3, 0, इनके साथ जो है ना बाहर भी एक ब्रैकेट लगी हुई है, ठीक है, प्लस 1, 1, 1, 0। तो हमने सिंपल क्या करना है, हमने जो ब्रैकेट में होती है ना मैट्रिक्स, इनको पहले सॉल्व करना होता है। तो इस रूल के मुताबिक हम इन दोनों वैल्यूज़ को पहले सॉल्व करेंगे, तो मैं इन दोनों को लूँगी 1 प्लस ये वाला 0, फिर 0 प्लस 2, 0 प्लस 3, और लास्ट वन है हमारे पास 1 प्लस 0।
और इनमें हम ऐड कर देंगे, ये वाली जो है ना वैल्यू बिल्कुल सेम आ जाएगी। इनको सिंपली हमने ऐड किया, वन में ज़ीरो ऐड किया तो वन आ गया, ज़ीरो में टू ऐड किया तो टू आ गया, ज़ीरो में थ्री ऐड किया थ्री और ये हमारे पास आ गया वन। इसमें हम ऐड कर देंगे वैल्यूज़ ये वाली। अब इनको हम ऐड करेंगे, वन प्लस वन, टू प्लस वन, थ्री प्लस वन और वन प्लस ज़ीरो। अब सिंपली हम इनको ऐड कर लें तो हमारे पास आ जाता है वन प्लस वन टू, थ्री फोर एंड वन, ये हमारा होगा आंसर। इसी तरह से जो आगे क्वेश्चन है ना, ये सारे ये भी ऐसे सॉल्व होने हैं। और क्वेश्चन नंबर फाइव है, यहाँ पे हमें ए बी और सी की वैल्यू इन्होंने हमें गिवन की हुई है और सिंपल हमें यहाँ पे दे दी हुई है कि आपने ये फाइंड करना है। तो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करें और अगर ना आए तो आप लोग मुझसे ज़रूर जो है ना पूछें ताकि मैं आपको बताऊँ। तो सबसे पहले हमारे पास है ए प्लस सी जो है, ए प्लस सी इक्वल है सी प्लस ए के। तो ए की वैल्यू उन्होंने हमें ऊपर गिवन की हुई है तो हम पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लिख लेंगे हमारे पास है ए प्लस सी, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या है भाई, वन टू थ्री, टू थ्री वन, वन माइनस वन और ज़ीरो। इसमें हमने ऐड करनी है सी की वैल्यू, सी की वैल्यू उन्होंने हमें गिवन किया माइनस वन, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, माइनस टू थ्री और वन वन टू। इनको हम सिंपली ऐड कर लेंगे तो ये वन प्लस और ये वाला माइनस मिलके माइनस वन, ठीक है। इसी तरह से ये वाला टू प्लस ज़ीरो, थ्री प्लस ज़ीरो। इसी तरह से टू प्लस ज़ीरो, थ्री माइनस टू प्लस माइनस जो है ना हमारे पास ये माइनस हुआ है, और वन प्लस थ्री। इस तरह से माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन, सॉरी वन प्लस वन यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस वन प्लस वन और ज़ीरो प्लस टू। इनको सिंपली हमने किया भाई प्लस माइनस जो हो रहा है ये हमारे पास हो गया ज़ीरो, टू थ्री, टू थ्री में से टू माइनस किया वन, फोर टू, ये भी हमारे पास कैंसिल हो गया ज़ीरो और यहाँ पे आ गया टू। ये है हमारा इसका आंसर। बाकी जो सारे क्वेश्चंस हैं ये भी हमारे इसी तरह से होने हैं। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका जो है ना ये वाला क्वेश्चन सिक्स वाला। इसमें सिंपल हमने क्या करना है कि थ्री है ए की जो हमें वैल्यू दी हुई है इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, और इसी तरह से माइनस टू और बी की जो वैल्यू उन्होंने हमें गिवन की हुई है वो लिख के आपस में इनको जो है ना बाद में जो इनके मैट्रिक्स के आंसर आएंगे उसमें हम माइनस कर लेंगे। नेक्स्ट है ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज भी मैंने आपको बताया हुआ है कैसे हम लेते हैं, तो जो हमारी रोज़ है उनको कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कॉलम्स हैं उनको रोज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। बाकी के जो हमारा सेवन और एट क्वेश्चन है ये मैं आपको जो है ना नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करवाऊँगी कवर। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।